ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय का इस प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम दशम भाव में, ठीक है, दशम भाव जिसे हम कर्म के भाव कहते हैं, कर्म भाव में अगर मेष से मीन राशि तक कोई भी राशि हो तो उसका रिजल्ट कैसे आता है, उसे कैसे देखना चाहिए, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, ये जो दशम भाव है मुख्यतः इससे कर्म से रिलेटेड समझते हैं, लेकिन ये दशम भाव जो है एक बलि भाव भी होता है, ठीक है। इसे हमें अगर ठीक से अगर दशम भाव को हम समझ पागे तो इससे हम फलादेश में बहुत अच्छा परिणाम निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि दशम भाव में अगर मेष राशि हो तो वो कैसा होता है। वैसा जातक जो है वो विनयहीन होता है, जैसे कि वो किसी को दया नहीं करता है, ठीक है, कठोर होता है वैसे जातक, ठीक है। और साथ ही साथ चुगलखोर उन लोगों का निशान में रहता है, इसके बाद इधर करना, यहाँ का बाद उधर करना, किसी और के बीच में झगड़ा फसाद करवाना इन लोगों का आदत सी होती है अगर मेष राशि दशम भाव में हो। और ये साधु संन्यासी को वो निंदनीय दृष्टि से देखता है, ठीक है। और वो लोग समझते हैं कि धर्म कर्म ये जो होता है ये सब निंदनीय कर्म है, इसे करने से कोई फायदा नहीं है अगर दशम भाव में मेष राशि हुआ तो। अगर दशम भाव में वृषभ राशि हुआ तो ऐसा मनुष्य जो है साधु संतों का जो उपकार करने वाला होता है, ठीक है। साधु संत की जो भरण पोषण में जितना भी खर्च होता है वो खर्च करने में सक्षम होता है अगर दशम भाव में वृषभ राशि हुआ तो, ठीक है। और साथ ही साथ देव ब्राह्मण और अतिथियों का जो बहुत अच्छी तरह से वो सत्कार करता है और उसे बहुत सत्कार करके उन लोगों को आनंद आते हैं। और साधुओं की जो कोई भी काम हो, साधुओं की कोई बाहर जाना हो, कोई तीर्थ भ्रमण करना हो, ऐसे काम में उन लोगों को बहुत मज़ा आता है वो, और दूसरों को तीर्थ भ्रमण भी करवाता है अगर दशम भाव में वृषभ राशि हो तो। अगर दशम भाव में मिथुन राशि हो तो वैसा जातक जो है वो गुरुओं की, जितने भी गुरु है अपने घर का बड़े है, उन लोगों के आदेश अनुसार वो काम करता है, ठीक है। वैसा काम करने में उन लोगों को अच्छा लगता है। अगर कोई उसे टोकता है, सपोज़ कोई गुरु हो, उसके फैमिली में कोई बड़े हो, अगर कोई टोकता है तो ऐसा मत करो, वो नहीं करता है। और वो खेती करने में, ठीक है, खेती करने में उनको आनंद आता है, खेती करके भी वो अपना गुजारा बहुत अच्छी तरह से चला पाता है अगर दशम भाव में मिथुन राशि हो तो। अगर दशम भाव में कर्क राशि हो तो ऐसा जातक जो है वो गार्डियन आदि का, फिर लेक आदि बनवा कर, ठीक है, वो आदमी के हितों के लिए वो बागीचा आदि बनवाता है, वो तालाब आदि बनवाता है और दूसरों का जो उपकार में आए वैसा काम करके उन लोगों को बहुत संतुष्ट मिलता है। और वो ऐसा कर्म करता है जो दूसरों के भलाई हो, ठीक है, दूसरों के भलाई का कर्म करने करता है अगर दशम भाव में कर्क राशि हुआ तो। दशम भाव में अगर सिंह राशि हो तो वैसा जातक जो है वो विकृत रूप का होता है, ठीक है, हिंसक होता है, वो व्यक्ति निंदित होता है और कुर कर्म करने वाला होता है, जो काम समाज के हित में नहीं होता है वैसे काम करता है अगर दशम भाव में सिंह राशि हुआ तो। और दशम भाव में अगर कन्या राशि हो तो वैसा जातक जो है वो मूर्ख की समान कार्य करने वाला होता है, मूर्ख लोग जैसे कार्य करता है, सक्सेस नहीं मिलता है उन लोगों को। स्त्री जाति से और सरकार से, ठीक है, वो हमेशा अपमानित होता है, कहीं भी जाए तो कुछ करने जाए अच्छा तो वो उसमें भी अपमानित होना पड़ता है अगर कन्या राशि दशम भाव में हुआ तो। और उन लोगों का जो बल विद्या है वो कम होता है, साथ ही साथ धन का भी अभाव रहता है, जिसका दशम भाव में कन्या राशि हुआ तो, ठीक है, ये राशि के अनुसार है, ना ही कोई अगर ग्रह कुछ आ जाएगा तो वो सीन बदल जाएगा, लेकिन सिर्फ राशि के आधार में हम लोग बोल रहे हैं।
से समझिएगा बात को। अगर दसम भाव में तुला राशि हो तो वैसा जातक जो है वो बिजनेस करने वाला होता है, ठीक है, बिजनेस में वो हमेशा सक्सेस मिलता है उन लोगों को, और साथ ही साथ धर्म के धर्म और नीति का पूरा साथ उपयोग करके वो धन उपार्जन कर पाता है, ठीक है। और जो सज्जन व्यक्ति होता है उन लोगों का प्रिय होता है, और साथ ही साथ वो दूसरे के धन का वृद्धि का कारक होता है। कोई अगर उसे कहीं अपने बिजनेस में रख लिया तो वो ऐसा तरकीब निकालेगा कि उसका जो है जिस व्यक्ति का भी वो काम कर रहा है उसका धन का वृद्धि होता है। अगर दसम भाव में वृश्चिक राशि हो तो ऐसा जातक जो है वो क्या होता है कि शास्त्र का, ठीक है, और वो जो शास्त्र का और लोक संपत्ति का, ठीक है, वैसा कर्म करता है। और साथ ही साथ देव हो, गुरुजन हो या ब्राह्मण का हित में वो अपने रुपया पैसा खर्च करने वाला होता है, और फिर ये निर्दयी होता है वो जातक, उन लोगों का कोमल नहीं होता है जो वो लोग दिल से निर्दयी होता है, और वो लोग जो कुछ भी काम करता है वो अपने नफा नुकसान के अपने नफा नुकसान को देख कर ही वो अपना काम करने में काम करता है, जिसकी भी दसम भाव में वृश्चिक राशि होता है। अगर दसम भाव में धनु राशि होता है तो क्या रिजल्ट आएगा, ऐसा जातक जो है वो सब कार्य करने में निपुण होता है, कोई भी कार्य वो बहुत आसानी से कर पाता है, और हमेशा वो जो भी करता है वहाँ से उसे लाभ मिलता है, और वो परोपकारी होता है, दूसरों के हित के लिए काम करता है, और वो लोग राजा का जो भी कार्य है वो करने में भी सक्षम होता है, और जमीन का और तथा वो लोग कोई भी काम करे तो उसमें उन लोगों का यश वृद्धि होता है अगर दसम भाव में धनु राशि होता है। अगर दसम भाव में मकर राशि होता है तो वो जातक जो है उग्र वो प्रताप वाला होता है, ठीक है, बहुत उग्र होता है, फिर जो भी कार्य करता है वो तत्पर करना चाहता है, बहुत जल्दी काम को निपटाना चाहता है, और साथ ही वो जो दयाहीन होता है, उन लोगों का दया नाम का चीज़ नहीं होता है, और बंधु उन लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है वो बड़ा होता है, धर्म के राह पे नहीं चलता है, धर्महीन होता है, और वो लोग दुष्ट लोग जो है जो दुष्ट लोग है उन लोगों का प्रिय होता है अगर दसम भाव में मकर राशि होता है। अगर दसम भाव में कुंभ राशि होता है तो वैसे मनुष्य जो है वो कोई भी कर्म करे तो बहुत चतुराई से करता है, और वो सक्सेस भी पाता है, ठीक है, और दूसरों को ठगने वाला काम में वो माहिर होता है, पाखंडी होता है वो लोग, और लोभी होता है, ठीक है, वो किसी को भी विश्वासघात कर सकता है लोभ के कारण, वो किसी को ठग सकता है, ठीक है, विश्वासघात का पात्र बन सकता है, तथा समाज में वो विरुद्ध कर्म करने में उन लोगों को मजा आता है, वो विरुद्ध आचरण करते हैं अगर किसी का दसम भाव में कुंभ राशि होता है। अगर दसम भाव में मीन राशि हो तो ऐसा मनुष्य जो है वो अपने कुल का, ठीक है, और अपने कुल का तथा और धर्म का जो बात होता है कुल में या अपने गुरुजन ने उसको जो भी धर्म की बात करेगा वो उस धर्म का जो फैलाने प्रसार करने वाला होता है, ठीक है, साथ ही साथ वो लोग कीर्तिमान होता है, और वो लोग ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हैं, और साथ ही साथ वो लोग स्थिर पुरुष होते हैं, कोई भी काम करेगा तो वो निर्दिष्टता से करता है, इसलिए उन लोगों का सक्सेस होने का रेट ज़्यादा होता है जिसकी दसम भाव में मीन राशि होता है। ये रहा दसम भाव में मेष राशि से मीन राशि तक क्या क्या परिणाम हो सकता है, सिर्फ ये एक पहलू है, पूरा अगर हमको जानना होगा कि दसम भाव में किन ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है, उसका दृष्टि कौन सा ग्रह का दृष्टि है, ठीक है, वहाँ शत्रु है या मित्र है, वो सब देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ सिर्फ एक्स फैक्टर से ये जो आज हमने जाना ये सिर्फ एक पहलू है, और अदर फैक्टर भी हमें जानना पड़ेगा, जैसे कि दशा क्या चल रहा है, अंतरदशा क्या चल रहा है, और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी के जितने भी और भी चीज़ है वो सब देख के ही हम फलित कर पाएंगे। ये बहुत छोटी सी एक जानकारी है,
जिसे जानना इतना ही दरकारी है जितना ग्रह के बारे में जानना, क्योंकि प्रत्येक भाव कुछ ना कुछ दर्शाता है और प्रत्येक राशि भी कुछ ना कुछ दर्शाता है। जब हम सब मिला के फलित करेंगे तभी जाके फलित अच्छा होता है और तभी जाके सही फलित निकलता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।